नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक रीजनिंग की सीरीज चलाऊंगा लाइव, जिसमें मैं रीजनिंग का हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, जिसमें आज के बाद आपको रीजनिंग से डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर आप गेन करोगे। आज से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कराऊंगा, जीरो लेवल से एंड तक। आज मैं रीजनिंग का वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। इसका यूज आता है ना कि इस मतलब टॉपिक से, किसी एक टॉपिक पर्टिकुलर से टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन आना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका यूज होना, इसके यूज से 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आपके मार्क्स दे के जाएंगे। देखो मैं बात कर रहा हूं अल्फाबेट की, अल्फाबेट नंबरिंग। अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है तो आप 5 से 6 नंबर आराम से ले पाओगे। इसका यूज कहाँ कहाँ है, कौन कौन से चैप्टर में यूज है इसका, देखो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है, विद इन 5 to 10 सेकेंड आप कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसके अंदर उलझ जाओगे और आप एक क्वेश्चन खोदोगे, ठीक है। अगर मैं एनालॉजी की बात करूं, एनालॉजी में भी एक क्वेश्चन अल्फाबेट बेस आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपको यहां अगेन अगर अल्फाबेट की नंबरिंग नहीं याद तो आप अगेन एक क्वेश्चन खोदोगे, ठीक है। फिर सीरीज का, सीरीज के अंदर भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर सीरीज का, एक रिपीटेशन सीरीज का और एक अल्फाबेट सीरीज का। अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है तो आप विद इन 5 to 10 सेकेंड आप सीरीज का क्वेश्चन कर पाओगे। आज मैं आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद आपके दिल और दिमाग से अल्फाबेट की नंबरिंग का जो फोबिया है कि याद नहीं रहती या कभी होगी नहीं, तो आप आज के बाद अल्फाबेट की नंबरिंग कभी नहीं भूलोगे। ए, ए पहले नंबर पे, एस और बी सी, मतलब पहले 3 अल्फाबेट को हमेशा कोई भी याद रखता है, अगर किसी को याद रहता भी है, और लास्ट के 3 एक्स वाई जेड। लास्ट पहले 3 और लास्ट के 3 हर एक को याद रहते हैं, क्यों, क्योंकि टोटल अल्फाबेट है कितने, 26, पहले 3 और लास्ट के 3, ये तो हर एक को याद रहेंगे। बीच दिक्कत कहाँ आएगी, बीच वालों में, कैसे, देखो आज मैं हर एक अल्फाबेट की इमेज क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे याद रखना है और कितने लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी चीज को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, उसकी इमेज क्रिएट कर लो, ठीक है, उसकी इमेज क्रिएट कर लो। आज मैं वही काम आपके सामने करूंगा कि हर एक अल्फाबेट की इमेज क्रिएट कर दूंगा आपके सामने, और आप भी मेरे द्वारा जो सिखाई गई चीज है और आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आप भी कभी भी किसी भी अल्फाबेट की कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो कोड कोई किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसके अंदर जो क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड आएगा तो आप उसको ऑन द स्पॉट इमेज क्रिएट करने के बाद आप नंबरिंग लिख लोगे और उसके बाद लॉजिक लगाना शुरू करोगे। देखो डी की अगर मैं इमेज क्रिएट करूं, डी को कैसे लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ऐसे, ठीक है। अगर मैं डी को ये बढ़ा दूं और यहां से मिला दूं, किसकी से पे, 4 की, तो डी कौन से नंबर पे, 4, ठीक है। ई अगर मैं ई को यहां से उड़ा दूं और यहां से मिला दूं, किसकी से पे, 5 की, तो ई कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। एफ अगर मैं एफ को यहां से मिला दूं, किसकी से पे, 6 की, तो एफ कौन से नंबर पे, 6वें नंबर पे। जी, जी अगर मैं इसको यहां से उड़ा दूं, किसकी से बची है, 7 की, यानी कि जी के अंदर ऑलरेडी एक 7 छिपा है। और हर एक एग्जाम में जब भी कोई भी कैपिटल लेटर, मतलब कि लेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉजी का, उसके अंदर हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज होता है। और कैपिटल लेटर में इमेज क्रिएट करना और किसी भी अल्फाबेट को याद करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अगला अल्फाबेट एच, अगर मैं एच को यहां से मिला दूं और यहां से मिला दूं, किसकी से पे, 8 की, तो एच कौन से नंबर पे, 8, ठीक है। आई
आई को ऐसे लिखा जाता है, देखा कभी लिखा हो ऐसा? तो आई ऑलरेडी एक नो की शेप में है, आई ऑलरेडी एक नो की शेप में है, ठीक है। अगर मैं फिर भी याद ना रहे आपको आई का, देखो मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं जानता हूं। अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो क्या बनेगा? आई नो। अगर मैं नो को एक शॉर्टकट लिखूं, नो नंबरिंग वाला नो, आई नो मैं जानता हूं। तो आई कौन से नंबर पे? नौवें नंबर पे। जे, जे को ऐसे लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ठीक। और जे यहां लिखने से एक ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट शो, क्या ये एक इनकम्प्लीट शो? अगर मैं इसके ऊपर डॉट लगा दूं, ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखो अब इसकी शेप कैसे बनाएंगे, जिसकी एक डंडा और इसको मान लो जीरो, तो दस। जे कौन से नंबर पे? दसवें नंबर पे। जे कौन से नंबर पे? दसवें पे। अगर फिर भी ना याद रहे जे कि जे कौन से नंबर पे है, तो जे फॉर जग। और जग कितने रुपए का? दस रुपए का जग। तो जे फॉर जग, और जग कितने रुपए का? दस रुपए का, ठीक है। के, अंग्रेजी का ग्यारह अक्षर, क्या हम बचपन से बोलते आ रहे, चिढ़ाते थे एक दूसरे को, अंग्रेजी का ग्यारह अक्षर के, अंग्रेजी का ग्यारह अक्षर के, ठीक है। और फिर भी वैसे भी नहीं याद रहे तो ये इसको एक मान लो, इसका आधा और इसको आधा, आधा आधा पूरा एक, एक और एक ग्यारह, आधा ये, ठीक। एल, एल को अगर ऐसे भी लिखा जाता है, एल को लिखा जाता है ना, अगर मैं एल को यहां से बढ़ा के ये मिला दूं, किसकी से पे? दो की। अब जीरो दो आया था कहां? बी पे। नेक्स्ट टाइम दो कब आएगा? बारह पे, एक दो। और नेक्स्ट टाइम दो कब आएगा? बाईस पे। और नेक्स्ट टाइम दो कब आएगा? बत्तीस पे, जो कि मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट टोटल कितने हैं? 26, ठीक है। बारह एल बारहवें नंबर पे। एम की शेप कैसे बनाऊं मैं तीन के लिए? अगर मैं किसी बोन में एम की पिक क्लिक करूं और उसको रोटेट कर दूं, तो किसकी शेप आएगी? इसकी। और ये किसकी शेप है? तीन की। किसकी शेप है? तीन की। देखो जीरो तीन था, जीरो तीन था, नेक्स्ट टाइम तीन कब आएगा? तेरह पे। और नेक्स्ट टाइम तीन कब आएगा? तेईस पे। और फिर तैतीस पे, जो कि मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये कौन से नंबर पर? तेरहवें नंबर पे। मेरा तेरह, ठीक है। एन को अगर मैं मिरर के सामने रखूं या एन को मिरर में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एन कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। एन एक मिरर में कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। और ये किसकी शेप है? चार की, ठीक है। जीरो चार था, जो कि डी पे था, उसके बाद चार कब आएगा? 14 पे। उसके बाद चार 24 पे, फिर 34 पे, जो कि मेरे को चाहिए ही नहीं, जो कि मेरे को चाहिए ही नहीं, 14, ठीक है। ओ की किसकी शेप है? जीरो की। वैसे दिखाई भी दे रहा, कोई शेप है ही नहीं, जिसकी कोई शेप ना हो वो ओ। अगर फिर भी ना याद रही, ओ किसकी शेप में है? आलू। किसकी शेप में है? आलू। और आलू कितने रुपए किलो? 15 रुपए किलो आलू। कितने रुपए किलो आलू? 15 रुपए किलो आलू। पी, नेक्स्ट पी, पी अगर मैं पी के पाँव में पानी डाल दूं, एक वाटर इमेज बना दूं इसकी, वाटर इमेज कैसी बनेगी? ऐसी। कैसी बनेगी? ऐसी। और ये क्या है? किसकी शेप है? छ की। किसकी शेप है? छ की। 06 आया था, 16 भी तो आएगा। 06 आया था तो 16 भी तो आएगा। 16, 16। क्यों?
अगर क्यू को मैं ऐसे लिखूं स्मॉल लेटर में, ये क्या है? उल्टा साथ। क्या है? उल्टा साथ। सीधा साथ जी पे था, उल्टा साथ 17 पे, क्योंकि 07 आया था तो 17 भी तो आएगा। 07 आया था, 17 भी आएगा, फिर 27 भी आएगा, और 27 मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि मेरे अल्फाबेट कितने हैं? 26। ठीक है, उसके बाद आर, उसके बाद आर। आर को अगर मैं यहां से मिला दूं किसकी से पे, इतनी 8 की, 8, 08 आया था, 18 भी तो आएगा। 8 कहां बनाया था मैंने? एच पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम 8 18 पे। ठीक है, एस, अगर मैं एस को यहां से मिला दूं किसकी से पे, 9 की। देखो 09 आया था, आई नो, मैंने इसको क्या बताया था? आई नो। आई नो तो नहीं ना ये। नेक्स्ट टाइम नो कब आया? 19 पे। देखो आई नो नहीं है तो नेक्स्ट टाइम 19, एल कहाँ बनेगा? 9 कब बनेगा? 19 ही बनेगा, तो बचा कुछ है क्या? 19, क्योंकि 29 तो मेरे अल्फाबेट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टी। नेक्स्ट क्या है? टी। 2020 क्रिकेट देखा ही होगा आपने, इसको तो ऐसे ही याद कर लो फिर आप। T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद यू। यू देखो, एक वायर ली मैंने, एक तार ले लिया, मतलब सरिया ले लिया एक, उसको मैंने ऐसे शेप दे दी। किसकी आकार की? यू के आकार की शेप दे दी मैंने। यू की आकार की शेप दी, लेकिन मैंने तार तो एक ही ली थी ना। मैंने तार कितनी ली थी? एक तार ली थी। कॉर्नर कितने बने इसके? एक, दो, दो कॉर्नर। ठीक है, तार एक, कॉर्नर दो। नेक्स्ट क्या? वी। देखो एक डंडा, दो डंडे, कितने हो गए? दो डंडे, एक, दो कॉर्नर, कितने? एक, दो, दो कॉर्नर, दो डंडे, दो कॉर्नर, दो डंडे। अब दो पहले कहाँ कहाँ आया है? एक 12 पे और एक 2 पे। बी और वी में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। बी वी, दो 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 दो, बी वी की अगर इसकी दो बार साउंड करेंगे बी वी, तो किसकी आवाज आएगी? बी वी की। ठीक है, किसकी साउंड आएगी? वी की। तो क्या है? 22वें नंबर पे। नेक्स्ट डब्लू। अगेन अगर मैं इसकी फोन में पिक क्लिक कर लूं तो क्या, रोटेट कर दूंगा इसको, रोटेट करने के बाद मेरी कैसी इमेज आएगी? ऐसी। और ये किसकी शेप है? 3 की। ठीक है, अब मैंने वन टाइम रोटेट किया था 13 पे, कब? अगर मैं वन टाइम रोटेट करूं तो वन ही लिखूंगा ना। अगर मैं वन टाइम रोटेट करूंगा तो वन लिखूंगा, अगर टू टाइम रोटेट करूं तो मैं टू लिखूंगा, अगर मैं टू टाइम रोटेट करूं तो टू लिखूंगा, और टू लिखूंगा तो क्या बनेगा ये? 23, सॉरी 23। ठीक है, नेक्स्ट क्या? एक्स। नेक्स्ट क्या? एक्स। एक्स में देखो एक डंडा, दो डंडे, कितने डंडे एक्स में? दो। कितने डंडे? दो। और कॉर्नर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, चार कॉर्नर, दो डंडे, चार कॉर्नर, दो डंडे, चार कॉर्नर, तो कितना बनाए? 24। नेक्स्ट क्या है? वाई। वाई को अगर मैं यहां से बढ़ा दूं और यहां से भी बढ़ा दूं किसकी से पे? पांच की। किसकी से पे? पांच की। अब 0 5 था और 1 5 था। अब 1 5 को तो आपने याद कर लिया, 15 रुपए किलो आलू, और आलू किसकी सेफ थी? ओ की। तो ओ तो नहीं है ये, और 0 5 क्या है? स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में कभी भी वाई आता ही नहीं, तो स्टार्टिंग में क्या आया था? 5, और 5 पे कौन था? ई। तो लास्ट में क्या आएगा? 25। और जेड लास्ट का अल्फाबेट है, इसको तो वैसे भी याद रखोगे, क्या है? 26। और फिर भी मैं इसको सेफ बना दूं, देखो जेड ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं किसकी शेप है? इतनी इतनी 6 की, और मैं इसको यहां से रब कर दूं 6 बनेगा, तो 0 6 था एफ पे, और फिर 1 6 था, 2 6 भी तो आएगा, तो 2 6 26। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो याद, मैंने हर एक अल्फाबेट को इमेज क्रिएट कर दी। अब आपका काम क्या है? आपने कोई भी 20 नाम लिखने, कोई भी 20 नाम लिखने, अपने यार मित्र के, फैमिली के, फैमिली मेंबर के, पड़ोसियों, किसी के भी लिख लो, किसी भी दोस्त का या फैमिली मेंबर, किसी के भी नाम लिख लो। उसके बाद क्या करना आपने, उसका नाम लिखने के बाद उसको इमेज क्रिएट जैसे मैंने करी थी वैसे ही
आप भी कर दोगे, ठीक है। उसको मतलब नंबरिंग में कन्वर्ट कर दो, और ऐसे ही अगर आपने 20 से 25 कर दिए तो आप कभी भी कोई भी अल्फाबेट की नंबरिंग नहीं भूलोगे। देखो मेरे साथ करो आप। एक आसान सा वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद जितना बड़ा नाम होगा उतना अच्छा लिखा जाएगा। इंडिया, इंडिया, आई 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 नो, आई आई नो। किसकी शेप अगर मैं मिरर रखूंगी सामने, किसकी शेप बनेगी यार? चार की। अब चार कहाँ कहाँ आया था? 0 4, 1 4, 2 4, और 3 4 भी था, लेकिन 3 4 मेरे को चाहिए ही नहीं था। लेकिन कहाँ कहाँ था? 0 4, 1 4 और 2 4। 0 4 दिखाई दे रहा है ये? डी पे तो है ही नहीं है। 24, 24 लास्ट में, एक माइंड में दिख लगे गई, 24 लास्ट में और डी पहले, तो बीच में कौन बचा? 14। बीच में कौन बचा? 14। अब डी, फिर से डी, इसकी शेप क्या बनाई थी मैंने? स्मॉल लेटर में ऐसे बनाई थी और इसको ऐसे खींचा था। तो किसकी शेप है ये? चार की। अब 0 4 मिड में तो नहीं है ये, मिड में डी नहीं है, तो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में चार कौन सा है? एक ही था, डी। आई नो, और ए एक, ठीक। ऐसे ही हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। देखो इसको क्या बनाया था? ऐसे मिलाया था और ऐसे मिलाया था, ये क्या बना? एट। एट कहाँ कहाँ आया था? 0 8, 1 8 और 2 8, 28, जो कि मेरे को चाहिए ही था। और 2 8 दिखाई दे रहा है ये? नहीं ना। अब ये क्या है? एक, A1। आर, आर को देखो मैं ऐसे मिला दूं, किसकी शेप है ये? अगेन 8 की, 8 की। अब 8 तो कहां कहां था? एच पे और 18 पे, तो 18। एच तो नहीं, नहीं। अब वाई, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, किसकी शेप है? 5 की। अब 5 कहाँ कहाँ आया था? 0 5, 1 5, 2 5। 0 5 स्टार्टिंग में और 2 5 एंडिंग में, तो एंडिंग वाला ही दिखाई दे रहा, नहीं तो? क्योंकि 0 5, ये 15 रुपये किलो आलू थे, 15 रुपये किलो आलू, तो ओ की तो शेप है नहीं है, यानी कि गोल गोल शेप तो नहीं है ये। किसकी होगी फिर? 2 5 की, क्योंकि 0 5 क्या? स्टार्टिंग का, और वाई क्या? लास्ट में, तो लास्ट में 1 ही 5 था, कहाँ था वो? 25 पे, ठीक है। फिर ए, फिर अगेन इसकी क्या बनाई थी मैंने? मिरर इमेज बनाई थी। मिरर इमेज में क्या था दिखाई दिया था ये? ऐसा। फिर कहाँ? 4 पे। 0 4 नहीं आए, क्या है? 0 4 नहीं है, ठीक है। तो 1 4 यहाँ, एक, ठीक, एक। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की बनाओ, इसको ऐसे मिला दो, किसकी बनी है? 8 की। 0 8 था, 18। ई 5, देखो कैसे, यहां से हटाया था और यहां से मिलाया था, किसकी शेप आई थी? 0 5 की, क्योंकि 15 भी था वो, 15 पे ओ था, आलू की शेप में, ओ की शेप में तो नहीं है, तो 5। एक, इसको कैसे मिलाया था मैंने? ऐसे। आई नो तो नहीं आए, 1 19। ओ की शेप, ओ की शेप पे कौन था? आलू। आलू कितने रुपए किलो? 15 रुपए किलो। अगेन फिर मिरर इमेज, मिरर इमेज में कैसा दिखाई देगा ये? 14। आई नो, फिर से 14, और जी के अंदर एक ऑलरेडी क्या छिपा है? 7, तो 7। एग्जाम टॉक्स, ई कौन से नंबर पे? यहां से मिटाया था और यहां से मिलाया था, किसकी से? 5। एक्स, एक डंडा दो डंडा, कॉर्नर कितने? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर।
A1, M वन टाइम रोटेट, वन टाइम रोटेट पिक क्लिक करने के बाद T20 A1, इसको ऐसे मिला दो। किसकी शेप बनी है? दो की। और दो जीरो दो यानी कि स्टार्टिंग में बी तो नहीं है, फिर लास्ट में 22 वो भी नहीं है, तो बीच में कौन बारा? कौन बारा? उसके बाद एक डंडा, आधा ए पूरा। उसके बाद एस, एस की आई नो तो नहीं है, एक ही बचा 19। उसके बाद एक और लिख लो, ठीक है? उसके बाद एक और लिख लो, इसको यहां से मिटाया था और यहां से मिलाया था। किसकी से बनी है? पांच की, ठीक है? उसके बाद अध एक ही है, आधा ये पूरा 11। उसके बाद दो जीरो दो यानी कि बी, दो दो यानी कि 22। ना तो ये स्टार्टिंग का है ना ये एंडिंग का है, बीच का है। बीच में कौन था? 12 A1 V। देखो एक डंडा और एक डंडा, एक डंडा एक डंडा, दो डंडे, कितने डंडे? दो। कॉर्नर कितने? एक दो, दो कॉर्नर। वी कौन सा नंबर पे? 22वें नंबर पे। वाई किसकी से? पांच की। अब एक तो पांच स्टार्टिंग में आया था, ई 05 E। अब एक था 15, 15 पे कौन था? 15 रुपए किलो आलू, और आलू की तो सेप दिखाई नहीं दे रही थी, आलू की सेप तो नहीं थी, किसकी होगी फिर ये लास्ट में? पांच ये एक, ठीक है? ऐसे ही आपने भी कम से कम 20 नाम लिखने, 20 से 25 नाम लिखोगे, उसके बाद आप कभी भी पूरी लाइफ अल्फाबेट की नंबरिंग नहीं भूल पाओगे, ठीक है? और कल के लेक्चर में बताऊंगा कैसे इनके रिवर्स को याद करते हैं, क्योंकि रिवर्स से बहुत बार देखने को मिला एसएससी के एग्जाम में भी और रेलवे के एग्जाम में भी, कि डायरेक्ट रिवर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी और एनालॉजी में भी। मैं एग्जाम्पल देता हूं, देखो आपको, इसको कैसे लिखेंगे? ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है? ये एनालॉजी का सिंबल होता है, ठीक है? ये क्या है? सिमिलरिटी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? रिवर्स से देखो, ए का रिवर्स जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। ये एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है? ये एक आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं रिवर्स से। अगर आप रिवर्स भी याद कर लोगे तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के, ठीक है? क्योंकि रिवर्स एनालॉजी के अंदर और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत बार देखने को मिला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, देखो जैसे कि, ठीक है, इसको लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, राहुल को ये लिखा गया था। हालांकि क्वेश्चन कैसा बनेगा? इन अ सर्टेन लैंग्वेज राहुल इज रिटन दिस, देन हाउ संदीप विल रिटन। तो राहुल को ऐसे लिखा गया है, तो संदीप को कैसे लिखेंगे? एक बात नोट किया आपने, कोडिंग डिकोडिंग जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है इजीली, ठीक है? यहां आपको देखने को मिलेगा I का रिवर्स, R का रिवर्स I, A का Z, H का S, F, U का F, L का O। तो सेम यही काम करना आपने यहाँ भी, S का रिवर्स H, A का Z, N का M, D का W, E का V, E का V, P का K। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।